मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद की शुरुआत कर दी है। इस दौरान आज वो हिसार के अलग अलग गांव में पहुंचे थे, लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थुराना, ठाड़ाकला, कुलाना की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जनसंवाद के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की, उनसे सवाल किया गया कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में लड़ाई झगड़े आम बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो रही है। पोर्टल को लेकर भी सीएम मनोहर लाल का विपक्ष पर प्रहार, उन्होंने कहा कि घर बैठे पोर्टल के जरिए काम हो रहे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी पर भी सीएम ने निशाना साधा, उन्होंने कहा कि कांग्रेसी तो अपने घर पर ही लड़ रहे हैं। हालांकि जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री समस्याओं को सुनते हुए नजर आए, और ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की, जहां पर मुख्यमंत्री आज पहुंचे थे। प्राय सब लोग हमारी स्कीमों से संतुष्ट हैं, उनकी छोटी मोटी कमियां जो रहती हैं वो भी वो बताते हैं। किसी का राशन कार्ड की बात है, किसी की पेंशन की बात है, बहुत चीजें तो हम हाथोहाथ कराते हैं। जैसे आज भी तीनों कार्यक्रमों में लगभग 20 लोगों की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बना करके आज उनको हमने सर्टिफिकेट दे दिए हैं। अभी तक बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये वेरीफाइड नहीं थी, अभी हमने वेरीफाई करके और 80,000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद उनके सबके जो पेंशन है वो बन जाएंगे। तो पेंशन जितनी पहले थी उसमें और एक 80,000 नई जुड़ने जा रही है। हरियाणा सबसे ज्यादा पेंशन देता है, इसमें जहां लोगों को संतुष्टि है, लोगों को पेंशन टाइम से मिलती है, बैंकों में पहुंच जाती है, वहां कुछ शिकायतें भी मिल रही हैं। शिकायतें यहां तक मिल रही हैं कि आसपास पड़ोस के प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, क्योंकि वहाँ पेंशन बहुत कम है। वहाँ पेंशन कहीं 800 है, कहीं 1,000 है, 1,200 है, यहाँ एकदम डबल पेंशन है। उस नाते से वो यहाँ के फर्जी एड्रेस लगा करके भी पेंशन बनवाने लग गए हैं। हमने ये तय किया है कि जो भी व्यक्ति 15 साल से पहले का कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसका यानी उसका एक प्रमाण हमको मिलता है, एविडेंस मिलता है कि 15 साल से वो हरियाणा में रह रहा है, उसी की पेंशन जो है वो बन भी जाएगी और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जनता के लोग सब ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बने रहने चाहिए इसको, क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे फैमिली आईडी खत्म कर देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो इस प्रकार की भाषा अगर बोलते हैं तो जनता उनको अपने आप आड़े हाथों लेगी और जनता पोर्टल नहीं खत्म करने देगी, जनता उनको खत्म करेगी। वैसे तो अपने घर में ही वो जिस प्रकार के तमाशे उनके हो रहे हैं, कहीं उनकी लीडरशिप के झगड़े, कहीं उनके नीचे के झगड़े आपने स्वयं देख लिए हैं। उस नाते से अब चाहे इश्यूज का बेस्ड पॉलिटिक्स हो, चाहे व्यवहारिक रूप से हो, भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी तीसरी बार यह बनने वाली।